सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसमें हमारे जीविका दीदी बंदरा की जीविका दीदी युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। गांव-गांव टोले टोला जा करके युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। दीदी को समझा रही है कि दीदी एक घंटे पे हाथ धोना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, साबुन का से हाथ धोना है। जो जीविका के माध्यम से हाथ धोने की प्रक्रिया तो बताई गई है, जो प्रक्रिया सिक्स माध्यम से प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। जीविका के माध्यम से कोरोना से इस महामारी में जीविका के माध्यम से जीविका दीदी को खाने के लिए जिनके घर में अनाज नहीं है उनको अनाज की व्यवस्था करवाई जा रही है। उनको गुड़, चीनी, मीठा, सोयाबीन आदि दी जाती है ताकि वैश्विक महामारी में उनका घर का जीवन यापन चले। इसके अलावा स्वास्थ्य के लाभ के लिए जीविका की तरफ से 500 रुपया इलाज हेतु दी जा रही है। गांव-गांव जाकर एक बैठक करके जागरूक किया जा रहा है जीविका दीदी को कि कैसे एक मीटर की दूरी बनाए रखे। समूह के बैठक अगर करना हो तो दूरी बनाए। जीविका महामारी के वैश्विक महामारी के साथ साथ हमारे जीविका दीदी ये इस पर काम कर रही है। घर घर जाकर ये इसके बारे में समझा रही है कि ये सोने का लक्षण क्या है, बच्चे को कैसे रखे, बच्चे को रात में खाना खिला कर ही सुलाए, बच्चा को अगर बीमारी का लक्षण पाया जाए तो बच्चा को तुरंत नज़दीकी ANM आशा दीदी से संपर्क करें, 102 एम्बुलेंस पर कॉल करें। जीविका की तरफ से हर वार्ड में ऑटो की सुविधा की गई है। किसी इमरजेंसी होने पर ऑटो वाले को फ़ोन करके तुरंत अस्पताल भेजाने की सुविधा जारी है। इसके अलावा हमारा ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ रिपोर्टिंग के माध्यम से प्रतिदिन कितने बच्चे हाथ धोकर खा रहे हैं, कितने परिवार में खाने की दिक्कतें आ रही है, कितने परिवार में पैसा की दिक्कत आ रही, रिपोर्टिंग ले रही है। जीविका के माध्यम से मास्क की तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार के कहने के अनुसार प्रतिदिन मेरे यहाँ 1500 मास्क बनाई जा रही है, जिसको मनरेगा, BDO सर, CO, मुखिया, वार्ड सभी जनप्रतिनिधि को दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जीविका की दीदी मास्क पहन करके अपने कार्य कर रही है और एक दूसरे को प्रेरित कर रही है कि मास्क पहनने से 70% बीमारी में सुधार होती है। एक मीटर की दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रही है, कहीं भीड़ भड़ा का इलाका पे ना जाए, साफ सुथरा से रहे, कोरोना का यही इलाज है, घर में रहे, स्वच्छ रहे। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जीविका दीदी संदेश देना चाहती है कि एक मीटर दूरी बनाकर अगर कोई व्यक्ति बाहर से आए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहीं से प्रदेश से आ रहे हैं तो तुरंत उनको BDO साहब को सूचना करें, और अगर नहीं BDO साहब को सुनते तो प्रशासन के इस बातों की सूचना दें। और किसी भी हालत में व्यक्ति को क्वारंटाइन होना अनिवार्य है, ये हमारी दीदी प्रेरित करती है। 14 दिनों के बाद वो अपने घर से बाहर निकले, इसके लिए जीविका दीदी प्रेरित कर रही है, कार्य हो रहा है। एरिया कोऑर्डिनेटर जीविका बंदरा। गौरियम IVF विनर ऑफ इंडियाज बेस्ट IVF क्लिनिक अवार्ड। गौरियम IVF जिसने हजारों महिलाओं के मां बनने के सपने को किया साकार। अगर आप भी संतान सुख से वंचित हैं, तो अब चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहां दूसरे IVF सेंटर्स के फेल केसेस और मल्टीपल साइकिल फेलियर केसेस का सक्सेस रेट न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा है। निराश ना हो, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस्ड है कि ज्यादातर लोगों के बच्चे इलाज से हो सकते हैं। वो एक सही IVF सेंटर को चुन करके वहाँ जाएं। सही सेंटर वो है जहाँ लीडर जो है हाईली क्वालिफाइड हो और सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। ना या अपने किसी जानकार के जीवन का सूनापन दूर करना चाहते हैं तो आज ही आइए गौरी।